अनियमित स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव को लेकर मुख्यमंत्री से आह्वान किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप के कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर अपनी बात छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुँचाने की कोशिश की। दुर्ग के हिंदी भवन के सामने सभी जीवनदीप समिति से जुड़े कर्मचारियों ने हड़ताल पर बैठकर अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। गौरतलब है कि इस संबंध में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा अपने 3 सूत्रीय मांगों के लिए लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन द्वारा हमारी जायज मांगों को अनदेखा कर कोई भी ठोस निर्णय आज तक नहीं लिया गया है। साथ ही हमने लगातार आवेदन निवेदन ज्ञापन दिया, जिसका आज तक कोई प्रतिफल और कार्रवाई न करते हुए जिला प्रशासन ने संघ संगठन को अवगत नहीं करवाया है। इसके विपरीत परिस्थिति में भी आज हम सभी को परिवार को संभालना पड़ रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष हड़ताल पर बैठे पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं कमल नारायण यादव, जीवनदीप कर्मचारी, यहाँ विगत 5 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा न्यूनतम मजदूरी है 7,500। यहाँ पर हम लोग अपने अधिकारियों को बोल बोल कर थक गए हैं कि हमारी वेतन मान बढ़ा दिया जाए, जिससे हमारी आर्थिक मानसिक सभी स्थिति सुधर जाए, क्योंकि इतने छोटे न्यूनतम मान में हमारी परिवार की पालन पोषण नहीं हो पाता है। और हमारी ये मांग है कि हमें कलेक्टर दर दिया जाए या तो 80% आरक्षण भर्ती में दिया जाए या तो हमें नियमित कर दिया जाए। हमारे हॉस्पिटल में अभी हमारे हड़ताल के अनेक बार सफाई कर्मचारियों को हमारे जगह काम में लिया जा रहा है, जिससे हमें भी परेशानी हो रहा है और हमारे हॉस्पिटल को भी परेशानी हो रहा है। इससे हम लोग चाहते हैं कि हमारे मांग को पूरा कर लिया जाए। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो हम अपने समिति के लोगों के साथ चर्चा करके अनिश्चितकाल हड़ताल में जाने के लिए चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जीवनदीप समिति के जो अनियमित कर्मचारी हैं, विभिन्न पदों में हर जिलों में काम करते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, स्वीपर से लेके आया, वार्ड बॉय, ड्रेसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सभी पद होते हैं। इसमें इनकी प्रमुख मांग है कि इनको कुशल जो श्रमिक होते हैं जिलों में, उनके मानदेय जो होता है उसके अनुरूप वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए। प्रदेश में आज हमारा ये 3 दिवसीय आंदोलन है, हर जिले में ये आंदोलन चल रहा है 3 सूत्री मांग को लेके। छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ के अभिन्न अंग है, कलेक्टर इनके प्रमुख होते हैं जिलों में। जीवनदीप समिति की जो जिला स्तरीय बैठक होती है, इसमें कलेक्टर दर पर इनको भुगतान होना चाहिए। दुर्ग जिले में तो ये बहुत ही विडम्बना की बात है कि कई वर्ष हो गए इसका अनुमोदन ही नहीं हो रहा है कि इनकी मानदेय में वृद्धि की जाए, जबकि ये जिला चिकित्सालय दुर्ग जिले का राज्य का एक प्रमुख अस्पतालों में से आता है। इनकी जो प्रमुख मांग है कि जीवनदीप कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर भुगतान करने के साथ इनको नियमित पदों में, आप अगर देखेंगे जिला अस्पताल में आज पूरा चतुर्श्रेणी का पद रिक्त हो चुका है, अगर सिर्फ और सिर्फ जीवनदीप के कर्मचारी यहाँ पे इनको काम चला रहे हैं। अगर ये अगर ना रहे तो जिला अस्पताल का पूरा काम ठप हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं, प्रदेश के मुखिया संवेदनशील है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने कहा था कि अनियमित कर्मचारियों को चुनाव के पूर्व हम अपनी सरकार में नियमित करें। हम इनसे यही मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले जीवनदीप के कर्मचारियों को 24 घंटे में 18 घंटे ये काम करते हैं और 2 घंटे की इनको वेतन देते हैं। इनको नियमित कर्मचारियों के भांति पदों का सृजन करके, जब पद रिक्त उन पदों के विरुद्ध में इनसे काम ले रहे हैं तो इनको पदों में भर्ती दिया जाए, अगर आयु सीमा बाहर हो गई तो उनको बोनस अंक दिया जाए, उसके बाद इनकी नियमित भर्ती की जाए और इनका मानदेय कुशल श्रमिकों के रूप में दिया जाए। आज अर्धकुशल के रूप में भी इनको मानदेय नहीं, किसी को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 7,500, ये विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं। किसी जिले में कुछ और मानदेय मिल रहा है, किसी जिले में हम चाहते हैं कि एक रूपता प्रदेश में बने कि जीवनदीप कर्मचारियों का, वार्ड बॉय का ये वेतन मान रहेगा,
आया का ये वेतनमान रहेगा, ड्रेसर का ये वेतनमान रहेगा, डाटा एंट्री, यानी प्रदेश में एक समरूपता रहे, किसी को ये बोलने की आवश्यकता नहीं रहे। ये तो सभी जगह विसंगति पैदा करती है। किसी जगह में डाटा एंट्री ऑपरेटर को 6,000 दे रहे हैं, किसी जगह में 11,000 दे रहे हैं, तो इस प्रकार की विभिन्नताएं हैं। ये रहेगी कि अभी ये 3 दिन का प्रदेश स्तरीय संकेतिक सभी जिलों में चल रहा है। हम माननीय प्रांताध्यक्ष जोपी शर्मा से और इनके प्रांताध्यक्ष से चर्चा करके निर्णय करेंगे कि नियमित कर्मचारी इनके मांगों के समर्थन में खाली पट्टी लगाएंगे, और अगर इनका अनिश्चितकालीन आंदोलन होता तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नियमित कर्मचारी भी इनके आंदोलन में भाग लेंगे। ये हड़ताल जीवनदीप कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल लेके बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं एक कलेक्टर दर की, दूसरी नियमितीकरण की, तीसरी 50% आरक्षण की। जो गवर्नमेंट पद निकालता है उसमें हम 50% जीवनदीप कर्मचारियों के लिए आरक्षण मांगते हैं। मांग करते करते हमने हर अधिकारी कर्मचारियों को बार बार आवेदन दिया, हर नेताओं को दिया, जाके सभी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। एक अच्छी रूपरेखा लेके काम करते हैं तो एक अच्छा मानदेय भी चाहते हैं। पिछले 15-20 साल से जिस प्रकार हम 2,000-3,000 में काम करते करते आए हैं, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पाटन में 3,500-3,000 रुपये है, हमारे यहाँ 5,000-7,000 रुपये है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है वैसे वैसे कर्मचारियों, जब गवर्नमेंट कर्मचारियों का भत्ता डीए सब चीज़ बढ़ सकता है, तो हमारे जीवनदीप कर्मचारियों का क्यों नहीं बढ़ता? 7,000 में किसका घर चलता है? शासन प्रशासन से हमारी लड़ाई नहीं, हमेशा निवेदनपूर्वक मांग रही है और हमेशा मांगेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा बिना मांगे हमारे अधिकारी, हमारे शासन प्रशासन हमको हमारे मेहनतों को समझें और मान दे दें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।